हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम आरसीसी के जो लिमिट स्टेट मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। आज हम लास्ट क्लास में हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात की थी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड की बात की थी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में उसमें हमने कंपेरिजन किया था कि लिमिट स्टेट मेथड है जो कंक्रीट में ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करता है, जबकि जो स्टील के केस में लिमिट स्टेट मेथड है वो कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करता है। सिमिलरली उससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी लिमिट स्टेट मेथड के बारे में, उसमें एक्सेप्टेंस लिमिट कितनी होती है, एक्सेप्टेंस स्ट्रेंथ कितनी होती है, और नेक्स्ट वन हमने बात की थी कि डिजाइन लोड कितना होता है। आज हम सिंगली रेनफोर्स बीम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंगली रेनफोर्स बीम में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस। देखो, कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें दो तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जा सकता है, या किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है तो बेसिकली हम दो तरीके से दे सकते हैं। या तो उसका हम एनालिसिस कर ले, हम उसकी डिजाइन कर ले। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको सारी कंडीशंस गिवन है, मतलब उसमें मटेरियल कितना यूज होने वाला है, उसमें कितना कंक्रीट यूज होगी, कितना स्टील यूज होगा, तो क्वांटिटी वो आपको गिवन है और फिर आपको ये बताना है कि वो कितना लोड रेजिस्ट करेगा। दैट इज नोन एज एनालिसिस। और जब आप डिजाइन की बात करोगे तो इस केस में आपको लोड या उस पर आने वाला मोमेंट गिवन होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको बात करनी होगी किसकी, आपके पास उस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, मतलब जो भी आप बनाने जा रहे हो उसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा। और नेक्स्ट वन आप बात करोगे कि उसमें स्टील कितना प्रोवाइड होगा। तो यहां पर हम फर्स्ट पार्ट की बात करने जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। तो देखो, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, उसमें हम उसको आगे से हम जब भी सिंगली रेनफोर्स बीम को लिखेंगे तो हम एसआरबी से लिखेंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से कि सिंगली रेनफोर्स बीम है उसका एनालिसिस कितनी स्टेप्स में कर सकते हैं। तो देखो, सिंगली रेनफोर्स बीम या कोई भी जनरली एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस है, वो यहां पर जो बीम का एनालिसिस है वो हम चार स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट वन, हम उसकी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट हम किससे करते हैं, एक्सयू लिमिटिंग से। सेकेंड वन हम कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स यू से। थर्ड स्टेप हम बताएंगे कि डिटरमाइन करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेक्शन, सेक्शन का टाइप कैसा है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ, अब यहां तक हम सेक्शन बता देंगे कि टाइप ऑफ सेक्शन का मतलब ये कि यहां सेक्शन अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है या बैलेंस सेक्शन है। जब हम इस थर्ड स्टेप की बात कर रहे होंगे डिटेल में, तब हम यहां पर डिस्कस भी करेंगे कि टाइप ऑफ सेक्शन जो कंसीडर किए जाते हैं, दैट इज अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स और बैलेंस सेक्शन, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग हम यहां डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ, लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ, यहां तक डिटरमाइन करने के बाद में बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेक्शन यहां पर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम दिखाएंगे एम यू से भी दिखा सकते हो और एम आर से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पर्टिकुलर नोटेशन है, आप जिनको आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो अब जो एनालिसिस स्टार्ट होने वाला है उस वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। और आपको अगर बीम का एनालिसिस आता है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप बीम के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हो तो आप स्लैब भी डिजाइन कर सकते हो, आप फुटिंग भी डिजाइन कर सकते हो। तो आपके लिए अगर बीम पर आप कंप्लीटली ध्यान दोगे तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना इजी हो जाता है, आपको स्टेप्स पता रहेगी। तो अब हम सबसे पहले स्टेप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहती है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हम इसको फर्दर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उससे रिलेटेड आज तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम यही डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। तो देखना क्या रखा है, फर्स्ट पार्ट है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है, तो देखो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जब एक ऐसी एक्सिस जब कंक्रीट और स्टील दोनों क्या हो, साइमल्टेनियसली फैल हो, दोनों क्या हो, अपनी अल्टीमेट स्ट्रेस लिमिट पर साइमल्टेनियसली पहुंचते हो। तो देखना, मान लिया कि ये आपके पास एक कंक्रीट का सेक्शन गिवन था,
तो देखो यहीं से हम हमारे आज ही स्टैंडर्ड नोटेशन बना लेंगे, उसके बाद हम उसी पे काम करेंगे। ये हमने कुछ AST प्रोवाइड किया, ठीक है, ये फिक्स नोटेशन है, इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखना, ये आपका विड्थ ऑफ सेक्शन रह गया, यहां से लेके यहां तक ये आपकी टोटल डेप्थ हो गई। यहां से जब रेनफोर्समेंट के सेंट्रोइड तक जब आप बात करोगे तो ये आपकी क्या हो गई, इफेक्टिव डेप्थ हो गई टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से। अब इसके बाद में यहां पर ये आपने बेसिक नोटेशन डिनोट कर दिए, तो अब इनके नोटेशन की हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि बी क्या है यहां पर, बी इज द विड्थ ऑफ जो आपको सेक्शन गिवन है, बी विड्थ ऑफ सेक्शन हो गया। डी क्या हो गया, टोटल डेप्थ ऑफ सेक्शन, डी क्या हो गया टोटल। अब देखना थर्ड आपने नोटेशन क्या दिया, स्मॉल डी, स्मॉल डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन हो गया। अब आपने AST क्या ब्रो, AST हो गया आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। जितने भी नोटेशन हमने लिखे थे यहां पर हमने उनको सबको डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसके बाद देखना ये जो होगा यहां पर, अब हम इसको इसको हम डी, या तो आप इसको DC से दिखा सकते हो या DE से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो देखना यहां से यहां तक का ये जो DE से हम दिखा रहे हैं, या हम इसको नोटेशन को DC से भी दिखा सकते हैं। वैसे अब हम इसको ऐसे कवर को हम दिखाएंगे, जनरली जो कवर को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम किससे करेंगे, डी डैश से, स्मॉल डी डैश से। तो स्मॉल डी डैश क्या हो गया आपका इफेक्टिव कवर। इन सब टर्म की डिटेल बात करेंगे, एक पूरी अलग इसके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे कि इफेक्टिव कवर क्या होता है, आपके पास इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। देखो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से सेंट्रोइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। अब देखो आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर से सेंट्रोइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। ये अलग से सारी चीजें लिखा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखना, मान लो आपकी कुछ न्यूट्रल एक्सिस, जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस थी वो कुछ यहां एग्जिस्ट कर रही थी, और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इस जगह एग्जिस्ट कर रही थी। पहली चीज याद रखना, जितने भी स्ट्रेन डायग्राम बनाओ चाहे स्ट्रेस डायग्राम बनाओ वो अप टू सेंट्रोइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट तक ही बनते हैं। तो इसका मतलब यहां जब मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाऊंगा इसका, तो LSM के अकॉर्डिंग स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, फर्स्ट अजम्पशन क्या कहता है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, और यहां पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी बताता है और उसका रिजल्ट क्या आता है, स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर, और ये स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आती है आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर 0.0035, और यहां पर कितनी रहती है 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, ये आपकी वैल्यू रहती है। अब देखना ध्यान से, ये जो वैल्यू है इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एक्सयू लिमिटिंग से, क्लियर है। तो ये वाली डेप्थ आपकी कितनी होगी, डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया यहां तक। अब देखना इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बन के आता है आपके पास, ये आपकी कहां तक की वैल्यू हो गई, ये जो स्ट्रेन हो गया, यहां वाला स्ट्रेन हमने मान लिया कि ये 0.002 का स्ट्रेन है, और 0.002 का स्ट्रेन है मतलब इसके यहां तक अजम्पशन में क्या था, कि एक अजम्पशन ने ये कहा था कि न्यूट्रल एक्सिस से इस 0.002 स्ट्रेन तक तो ये ग्राफ क्या रहता है, पैराबोलिक, और उसके बाद ये क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगुलर, और यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.45 FCK। तो यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू हमने कितनी दिखा दी, 0.45 FCK। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में यहां पर स्ट्रेस डायग्राम का यूज नहीं है, फिर भी हम बना रहे हैं बस जस्ट एक यूज के लिए, हमारी चीजें याद रह जाए। तो देखना अब हम इसको सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकालेंगे, और फर्दर के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब इस नोटेशन में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर मैं FCK की बात करूं तो FCK क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ
कंक्रीट एंड एफ वाई क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या रेनफोर्समेंट, ये हो जाएगा। ईएस क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इसको क्या कह देंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। क्लियर है यहां तक? अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने के लिए देखना ये वाला पार्ट यहां से रफ कर रहा हूं। देखना ध्यान से, इसमें जब एनालिसिस किया, हम स्ट्रेन डायग्राम से एनालिसिस करते हैं, तो क्या हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी चाहिए लिख सकते हैं, एक्सियल लिमिटिंग डिवाइड बाय 0.0035 इक्वल्स टू डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग डिवाइड बाय दिस स्ट्रेन। तो हम यहां पर फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, हम इसका अलग एनालिसिस कर लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज एनालिसिस जब हम करेंगे तो यहां पर क्या होगा आपके पास, एक्सियल लिमिटिंग डिवाइड बाय 0.0035 इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग डिवाइड बाय 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ईएस। ये याद भी रखना है, परमिसिबल स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेन इन स्टील होता है। तो देखना ध्यान से, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इस वाले पार्ट को यहां ले जाते हैं और इस वाले पार्ट को यहां ले आते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस डिवाइड बाई 0.0035 इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग डिवाइड बाई एक्सयू लिमिटिंग। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से, इसको सेपरेट कर दिया जाए तो d अपॉन एक्सयू लिमिटिंग माइनस एक्सयू लिमिटिंग डिवाइड बाई एक्सयू लिमिटिंग, इधर ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो इधर ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसका मतलब 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस डिवाइड बाई 0.0035। क्लियर है यहां तक? अब देखना यहां पर, यहां से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 1 आ जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, d अपॉन एक्सयू लिमिटिंग माइनस 1 और यहां पर ये वैल्यू एज इट इज रहेगी 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस डिवाइड बाई 0.0035। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस वैल्यू को, इस 1 को क्या करूं, इधर ऐड कर दूं, इस 1 को इधर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस डिवाइड बाई सबस्क्रिप्ट में एस 0.0035 प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी अपॉन एक्सयू लिमिटिंग। ले रहे यहां तक? अब इसका एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू इधर ऐड हो जाएगी और ये वैल्यू जब इधर ऐड हो जाएगी तो एलसीएम लेने के बाद में वो डेरिवेशन हम यहां कर रहे हैं। देखना क्या हो जाएगा, 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.0035 डिवाइड बाई 0.0035 इज इक्वल्स टू डी अपॉन एक्सयू लिमिटिंग। क्लियर है? अब यहां पर जब आप इसका ध्यान दोगे तो अब ई एस भी कंप्लीट एलसीएम में ले सकते हैं, पहले इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड करूंगा तो मेरे पास इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, 0.0055 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस डिवाइड बाई 0.0035 इक्वल्स टू डी अपॉन एक्सयू लिमिटिंग, डी अपॉन एक्सयू लिमिटिंग। अब देखना ध्यान से, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ई एस एलसीएम लेते ही ये ई एस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी आ जाएगा, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.0055 ई एस प्लस 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई 0.0035 ई एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन एक्सयू लिमिटिंग। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखना इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सयू लिमिटिंग अपॉन डी इज इक्वल्स टू 0.0055 ई एस
0.0055 ES प्लस 0.87 FY अपॉन 0.0035 इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 0.0035 ES अपॉन 0.0055 ES प्लस 0.87 FY ये लिख सकते हैं। अब यहां वाला पार्ट ड्रॉप कर रहा हूं, यहां वाला पार्ट लिख लिया होगा तो देखना, यहां वाले पार्ट के कोरेस्पॉन्डिंग जब आपने ये आपका रिलेशन आया तो आपने क्या किया इसमें, अब ES की वैल्यू जो कोड देता है एज पर IS 456 2000 क्या देता है कोड, ES स्टील की वैल्यू देता है 2×10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप स्टील की वैल्यू ये रख दोगे, क्योंकि देखो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टील की वैल्यूज पर मतलब E पर डिपेंड करता है, क्योंकि E कांस्टेंट दे दिया गया है कोड ने, और कोड ने ये भी बोला है वो कंक्रीट के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग E है वो ±10% से वैरी करता है, बट इसके अंदर वो ±20% से वैरी करता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे और एक्चुअल लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्चुअल लिमिटिंग बाई डी इज इक्वल्स टू 0.0035 × 2×10⁵ डिवाइड बाई 0.0055 × 2×10⁵ प्लस 0.87 FY। तो यहां से एक्चुअल लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अब आपसे ये पूछे कि फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन FY पर। तो यहां हम नोट में पॉइंट भी लिख देंगे, नोट में लिख देंगे फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन एक्चुअल लिमिटिंग डिपेंड्स अपॉन किस पर, ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। ये काफी बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। यहां तक बात समझ में आई, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात चलते हैं कि अगर हमें यहां पर FY की वैल्यू को अलग अलग ग्रेड के लिए दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहां पर हम इसके बाद एक टेबल बनाते हैं कि ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग वैल्यूज कितनी होगी। तो अगर यहां मैं ग्रेड ऑफ स्टील लिखूं और यहां पर ग्रेड ऑफ स्टील, और यहां पर हम बात करें एक्चुअल लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू कितनी होगी, तो देखना अब तक जितनी भी जगह आपको पढ़ाया जाता है आपको तीन ही ग्रेड पढ़ाई जाती है, Fe 250, Fe 415 और Fe 500। अब से हम एक नया डेटा और याद रखेंगे Fe 550। तो देखो Fe 250 के लिए जब इसमें FY की वैल्यू 250 रखते हो तो ये सॉल्यूशन करके आता है 0.53, जब इसमें 415 रखते हो तो यहां पर आ जाएगा 0.48, 500 रखते हो तो ये आ जाएगा 0.46 और 550 रखते हो तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.44। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, और ये नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है SSC JEE ES तक, और गेट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गेट में एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से मॉडिफाई किया गया है, क्या किया गया है गेट में ये कहा गया है इफ द आउटर मोस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन इज 0.0025, उसने क्या दे दिया, इफ द आउटर मोस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन इज 0.0025 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ XU, मतलब अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो उसने जब ये पूछा था तो ध्यान से देखना कि जब आप यहां पर आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी लिखोगे 0.0025। तो देखो अब वो क्वेश्चन करते हैं, यहां तक समझ में आया होगा, चलते हैं आगे। देखना अब हम यहां से ये वाला डायग्राम भी रफ कर रहे हैं और ये वैल्यूज भी
रफ कर रहे हैं जो हमें इसकी जगह दी गई है। ठीक है, अब उसने ये बोला था, बस इतना ही बोला कि इफ द आउटर मोस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन इज 0.0025, मतलब यहां पर जो आपको वैल्यू कंसीडर करनी है वो कितनी करनी है, 0.0025 कंसीडर करनी है, और आपको एक्स्यू बाई डी का जो रेशियो बन के आएगा, इस बार उसने क्या कहा, अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का रेशियो बताओ यहां पर। तो अब हम अगर स्ट्रेन डायग्राम से निकालना चाहें, उसने यहां के स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग कुछ भी जानकारी नहीं दी, तो हम क्या मानेंगे कि दोनों एक साथ फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से वो क्वेश्चन क्या था और उस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना था, हम यहां करते हैं। देखो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लेके चलूंगा, अगर मैं यहां इसको स्ट्रेन को ऐसे दिखाऊं 0.0025 सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से डिवाइड बाई एक्स्यू, और यहां पर दिखा दू डी, यहां पर दिखा दू 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES डिवाइड बाई डी माइनस एक्स्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी माइनस एक्स्यू अपॉन एक्स्यू इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.0025। तो देखो इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी माइनस एक्स्यू माइनस 1 सेपरेट करेंगे, अभी भी हम करके हैं लास्ट डेरिवेशन में ध्यान से देखेंगे तो 0.002 प्लस यहां पर क्या रह जाएगा, एज इट इज 0.87 FY अपॉन ES अपॉन 0.0025। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो D अपॉन एक्स्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES डिवाइड बाई 0.0025 प्लस 1। एलसीएम लेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो 0.0045 आएगा, और फिर ES का और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0045 ES प्लस 0.87 FY अपॉन 0.0025 ES। जब यहां से आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, एक्स्यू बाई डी लिखोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.0025 ES की वैल्यू रख दो, 2 × 10⁵ डिवाइड बाई 0.0045 × 2 × 10⁵ प्लस 0.87 FY। तो देखो आपको ये समझना होगा यहां पर कि जब इसकी वैल्यू रखोगे और आंसर आएंगे तो एक्स्यू बाई डी इज इक्वल टू आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 900 प्लस 0.87 FY, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, और इससे आपको वैल्यूज निकाल लेनी है, जब वो FY जो भी ग्रेड देगा वो रख के निकाल लेनी है। अब ध्यान देना कि एक थोड़ा सा लॉजिकली चीज समझना कि इसके अंदर आंसर हम शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं, गेट जैसे एग्जाम में हमारे पास और भी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्यूशन करना होता है, तो हम कुछ शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है, ये तो एक लेंथी प्रोसीजर था जिससे आप कर सकते हो, अब देखो एक शॉर्टकट देखते हैं इसको करने का, कि जब हमारे पास स्ट्रेन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर 0.0035 था तो एक्स्यू लिमिटिंग बाई डी की हमारे पास वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, तो देखना न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करते हैं ओनली, क्योंकि इफेक्टेड कौन सी हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यूज इफेक्टेड हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यूज इफेक्टेड हो रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हमने स्ट्रेन को 0.0035 से 0.0025 ले गए, 0.0025 ले गए, तो देखना 700 तो कन्वर्ट हो गया 500 में, और ये जो 1100 था वो कन्वर्ट हो गया 900 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर ईच, अगर इसका एनालिसिस करोगे तो 0.5 स्ट्रेन पर आपकी 100 वैल्यू या तो सब्ट्रैक्ट होगी या क्या होगी, ऐड होगी। इसका मतलब अगर यहां पर ये डिपेंड करेगा प्लस माइनस पर, तो ये भी इसका प्लस माइनस है। अब देखना ध्यान से, अब आप घर पे बैठ के क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो, अगर मैं यहां पर आपको 0.0040 स्ट्रेन दे देता हूं 0.035 की जगह, तो आपको देखना 700 किस में कन्वर्ट हो जाएगा और 1100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 700 कन्वर्ट हो जाएगा 800 में, ठीक है, और 1100 कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1200 में। तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, और माइनस करोगे तो इसमें से वैल्यूज को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसके बाद हम जो इसकी जो सेकंड स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।